पिछले वीडियो में हम बॉब नाम के एक भूत के विषय में जान रहे थे और हमने ये जाना कि बॉब अपनी आत्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा 25% भाग आत्मालोक में छोड़कर आया था और ये उसका फैसला गलत था। इसी वजह से इस जीवन में जो सबक वो सीखने के लिए आया था वो उन्हें सही तरीके से नहीं सीख पा रहा था, परिस्थितियों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जब बहुत कम आयु में उसका शरीर उससे छूट गया तो उसने बजाय आत्मालोक जाने के भूत उसी घर में रहते हुए भूत रूप में वक्त गुजारने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी जो उसकी पत्नी थी उससे बहुत अधिक प्रेम करता था और उसे छोड़ के जाने का फैसला नहीं लेना चाहता था। और ऐसा भी नहीं है कि उसके मार्गदर्शक के द्वारा उसे सलाह नहीं दी गई थी कि वो अपनी अधिक ऊर्जा को लेकर पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जाए, लेकिन बॉब एक जिद्दी आत्मा था और वो एक ही समय पर समानांतर जिंदगी जीने का फैसला लेना चाहता था। जब उसके मार्गदर्शक द्वारा उसे रोका गया समानांतर जिंदगी जीने का फैसला लेने से, तब उसने अपनी अधिक ऊर्जा को आत्मालोक में छोड़ने का फैसला लिया और उसका ये फैसला वजह बना कहीं ना कहीं उसके भूत रूप में रहने की, क्योंकि जो जीवन की परिस्थितियां थी, जो सबक थे, उन्हें वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा था। जो लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मैं कम शब्दों में बताना चाहूंगी कि ये वीडियोस पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च पर आधारित हैं, जिसमें उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से बहुत ही सामान्य व्यक्तियों से ये जानकारी हासिल की है। बॉब के अंदर जो सबक उसने सीखना था उसकी कमी थी, अनुभव की कमी थी, इस कारण से ही वो धरती पर मृत्यु के बाद भी रुका हुआ था। जैसा कि मैं पहले भी मुक्तिदाता आत्माओं के विषय में बता चुकी हूँ, मुक्तिदाता आत्माएं वो आत्माएं होती हैं जो इस तरह की आत्माओं का जो मृत्यु के बाद आत्मालोक की ओर नहीं जाती हैं, इस तरह की आत्माओं की निगरानी रखती हैं। और ये मुक्तिदाता आत्माएं जब ये देखती हैं कि जो आत्मा जाने के लिए तैयार है, अब वो अपने मार्गदर्शक को ढूंढ रही है, तब ये मुक्तिदाता आत्माएं प्रकट होती हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। कुछ आत्माएं तो वो अपना भौतिक शरीर छोड़ने ही नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि बिना आत्मा लोक जाए फौरन उन्हें दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त हो जाए और वो एक क्षण के लिए भी अपने भौतिक शरीर को नहीं छोड़ना चाहती हैं। और दूसरी तरफ ऐसी आत्माएं होती हैं जो आत्मा लोक जाने का, आराम करने का, अध्ययन करने का, एक बार अपने घर लौटने का फैसला लेती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्यों मुक्तिदाता आत्माएं या मार्गदर्शक आत्माएं इस तरह की आत्माओं को जो आत्मा लोक जाने का फैसला नहीं ले रही हैं, इन्हें जबरदस्ती क्यों नहीं आत्मा लोक ले जाती? लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। अगर मार्गदर्शक आत्माएं जबरदस्ती ऐसी आत्माओं को आत्मा लोक लेकर जाएं तो उस आत्मा के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो सबक का शेष भाग रह जाता है जिसके कारण आत्मा ने भूत बनने का फैसला लिया, वो भी एक सबक का भाग होता है। और आत्मा जब आत्मा रूप में है, शरीर में नहीं भी है, तो भी वो उस सबक को सीख रही होती है। यानी अगर किसी का कोई लेसन सीखना बाकी रह गया है शरीर में रहते हुए और वो शरीर को छोड़ने के बाद भी पृथ्वी लोक छोड़ने का फैसला नहीं ले रही है आत्मा, तब भी वो सबक वो सीख रही है। और अगर इस तरीके से मार्गदर्शक आत्माएं या मुक्तिदाता आत्माएं फोर्सफुली उस आत्मा को आत्मलोक लेके जाएंगी तो वो सबक का शेष भाग रह जाएगा और ये कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मकसद यही था ना आत्मा का धरती पे आने का कि वो अपना सबक, अपना लेसन सीख ले, तो उसे अधूरा छोड़कर आत्मलोक जाना ये सही नहीं होता। इसलिए एक तरह से आत्मा को ये भी एक मौका ही है कि वो अभी भी अपना लेसन सीख ले। अब एक बात और आती है कि इस तरह की जो आत्माएं हैं जो जाने ही नहीं चाहती पृथ्वी को छोड़कर, उन्हें फोर्सफुली लेके जाया जाए आत्मालोक और उन्हें फौरन एक नया शरीर प्रदान कर दिया जाए बिना किसी अधिक प्रक्रिया से गुजरे हुए, जिन प्रक्रियाओं की बात मैं पहले कई वीडियोस में बता चुकी हूं, बिना उनसे गुजरे हुए फौरन एक नया शरीर दे दिया जाए क्योंकि वो भौतिक शरीर की चाह रखती हैं। लेकिन सबक को अधूरा छोड़कर
यूं ही एक नया शरीर ले लेना ये आत्मा के हित में ही नहीं है। जैसा कि ईसाई मत में यदि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो एक मान्यता है कि पादरी के पास जाकर वो अपने गुनाह को कबूल करता है, या फिर एक शुद्धिकरण जैसी प्रक्रिया है जिसमें पानी में पल भर के लिए डुबोकर आत्मा को व्यक्ति को शुद्ध किया जाता है। इस तरह की कुछ प्रक्रियाएं ईसाई धर्म में हैं। अब ये जो ईसाई धर्म में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और ये आत्माओं की जो मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर रहना, एकांतवास में रहना, ये प्रक्रिया है, ये बहुत थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिमिलर है। इन शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं में एक तरह से ये मान्यता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों से मुक्त करके, गलत कर्मों से मुक्त करके उसकी आत्मा की शुद्धि की अवस्था को उसे प्रदान किया जा रहा है। जो व्यक्ति स्वर्ग जाने के इच्छुक होते हैं वो व्यक्ति इस तरह की प्रक्रियाओं से ईसाई मत में गुजरते हैं। कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता आत्मा जो पृथ्वी पर ही मृत्यु के बाद भी रहने का फैसला ले रही है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं आत्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना चाह रही है। जो उसने कर्म किए हैं उसका मनन चिंतन करना चाह रही है, लेकिन फिर भी आत्मा इस रूप में रहते हुए पूरी तरह से शुद्ध होकर बाहर नहीं निकलती है। बहुत सारी इस तरह की भी आत्माएं हैं जिन्होंने धरती पर कभी जन्म ही नहीं लिया है। यहाँ पर कुछ एक माध्यमों ने ऐसा भी बयां किया है कि एक जीवन छोड़ने के बाद और दूसरा जीवन जब तक उन्होंने नहीं लिया है उसके बीच में कुछ समय उन्होंने इधर उधर पृथ्वी लोक पर या दूसरे प्लैनेट्स पर भ्रमण करते हुए, इधर उधर घूमते हुए गुजारा है। और इस वक्त में ये जो घूमते हुए उन्होंने वक्त गुजारा है, उन्होंने बहुत सारी अशारीरिक सत्ताओं को, यानी कि जिन्होंने कभी जीवन ही नहीं लिया, जो कभी मनुष्य रूप में आई ही नहीं, उन्हें भी देखा है। यहाँ पे माध्यम ने बताया कि जिस तरह से हम आत्माएं एक तैरती हुई सी अवस्था में रहती हैं, उसी तरह से ये सत्ताएं भी भूलोक में एक बहती सी अवस्था में रहती हैं। यहाँ माध्यम ने बताया कि जब उसका इस तरह की दूसरी अशारीरिक सत्ताओं से सामना होता है तो वो उन्हें पहचानता नहीं है, वो उन्हें जानता नहीं है, वो उसके लिए अजीब होती हैं और वो इंसानों जैसी नहीं लगती। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आत्माएं आत्मालोक में भी मानवीय रंग रूप अपना सकती हैं, जो चाहे वो अपने जीवन का रंग रूप वो अपना सकती हैं। इसी तरह से जब वो धरती पर आती हैं तब भी वो लगभग वैसा ही रंग रूप लेना पसंद करती हैं, मानवीय आकार लेना पसंद करती हैं जैसा वो तब ले चुकी थी जब वो जीवित थी, उसी को और बेहतर रूप में लेने की कोशिश करती हैं। वो एक पारदर्शी ऊर्जा के रूप में मानवीय आकार लेती हैं, जैसे है तो मानव समान आकार लेकिन वो एक पारदर्शी ऊर्जा के रूप में है। यानी उनके पास भौतिक शरीर तो नहीं होता लेकिन जो उनके ऊर्जा का रंग रूप होता है वो भी मानवीय ही होता है। अब आगे जो डॉक्टर का सवाल था वो ये था कि क्या इस अवस्था में वो आम लोगों को जो जीवित हैं इस धरती पर उन्हें दिखाई देती हैं। इस पर उस माध्यम ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया कि कुछ लोग हैं जो हल्का सा, बहुत कम हमें देख पाते हैं लेकिन वो भी हमें भूत प्रेत समझकर डर जाते हैं, और जो कुछ व्यक्ति उन्हें कुछ समय के लिए देख पाते हैं ये उस व्यक्ति की ग्रहण करने की क्षमता होती है कुछ क्षणों के लिए, तब तक के लिए जब तक कि वो उस व्यक्ति के क्षेत्र में है, उस व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र में है। आगे उस माध्यम ने जब वो इस पारदर्शी अवस्था में था और उसकी मुलाकात कुछ इस तरह की सत्ताओं से हुई जो अशारीरिक सत्ताएं थी जिन्होंने कभी धरती पर जन्म ही नहीं लिया था, उसके विषय में उसने बताया, जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछले वीडियो में हम बॉब नाम के एक भूत के विषय में जान रहे थे और हमने ये जाना कि बॉब अपनी आत्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 25% भाग आत्मा लोक में छोड़कर आया था और ये उसका फैसला गलत था। इसी वजह से इस जीवन में जो सबक वो सीखने के लिए आया था वो
उन्हें सही तरीके से नहीं सीख पा रहा था।